जाएगी तो खून तेरा काटना है, कान तेरा काटना है, जाऊं तेरी लेके लाश, बात मार जाएगी तो बूढ़ी तेरी लस्सी खाता, आस पास के जो मंदिरों में चुपके बैठा तू, ढूंढ लेगी आत्मा तू, उसके मन में रहता तू, भाग लेना भाग चाहे जितना तू चलाक है, मरी भी तेरी आज उसके दो तलाक है, कौन कहता जीगा तू, जा गंगा जल में पी जा तू, हड्डियों का ढांचा तेरी गलती तेरी सी जा तू, कर देगी दफन आज मरना तेरा तय है, अगरबत्ती फूक ले जो मन में तेरे भय है, सह ना सकेगा तू रह भी ना पाएगा, खुद की खबर बेटा जल्दी आ दबाएगा, खाएंगे मलबा पूरी तुझको मारने के बाद, गली से जनाजा तेरा उठता ना बंदों से आज, आजा घुमा दूं तुझे आजा मेरे साथ में, सीटी बजाई मैंने डैश तेरे हाथ में, खाली है भेजा तेरा भट्टो पूरा पाप से, नेवला हूं मैं टंक छीन रहा है साथ से, आजा घुमा दूं तुझे आजा मेरे साथ में, सीटी बजाई मैंने डैश तेरे हाथ में, खाली है। स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्षत्रिय गेमर पे, और आज का वीडियो मेरे भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। और आज एक और ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको बताएंगे जितने भी यार फ्रोजन एग मिलते हैं बरेंगा मैप में वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। और अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर वन पर। पॉइंट नंबर वन अपना वर्क करता है बिस्टा पे और इस जगह के ऊपर चढ़ने का आज तक मेरे भाई किसी ने नहीं बताया, कोशिश सभी ने की है बट सफल नहीं हुए हैं, कोई ग्लिच नहीं बना है, कोई ट्रिक नहीं बनी है कि इसके ऊपर चढ़ जाएं। और इसके ऊपर चढ़ने के बाद नज़ारा क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। और अभी आपको बताते हैं करना क्या है। फ्रोजन एग को लेना है इस जगह पे, लो टॉस पे इसको फेंक देना है, और लास्ट ट्रिक आपको बताएंगे जहाँ पर फ्रोजन एग पूरे वरेंगा मैप में कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो अभी आपको बताते हैं इस पर चढ़ना कैसे। तो सीन क्या है कि आपको लेज ग्रैब के थ्रू इसके ऊपर चढ़ना है, यहाँ तो अपनी जंपी भैया कहीं और हो रही है, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि आपको जब सामने जंप करोगे ना उसके ऊपर, तो आपका जंप पे दो बार या तीन बार टैप टैप करना है, मतलब बटन को प्रेस करना है, और आराम से लैच ग्रैब के थ्रू आप इसके ऊपर आ जाओगे। और उसके बाद आराम से कहते हैं भैया सेटलमेंट हो लियो, फिर जंप करियो और आराम से इसके ऊपर आ जाओगे। और यहाँ आने के बाद भाई क्या भसड़ मचने वाली है ना, मतलब इतना ज़्यादा हाई एडवांटेज मिल जाता है आपको आराम से भाई। बरेंगा कह रहा हूँ, अच्छा बिस्टा, ठीक है जी, बिस्टा भी आराम से पूरा कवर कर सकते हो यहाँ से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इस ग्लिच को या सॉरी इस ट्रिक को बताने की, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने ट्राई किया था इस ट्रिक को बताने का बट कोई भी सफल नहीं हो पाया, कोशिश सभी ने की यार बट मेरे को पता है नहीं हो पाया कोई सफल, आज तुम्हारा भाई हो चुका है। तो आराम से यहाँ चढ़ सकते हो, मज़े ले सकते हो, और प्लस बंदों पर कतई तबाही मचाने वाले हो। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप इस जगह भी आ सकते हो और पूरा नज़ारा ले सकते हो अपने बिस्टा का। तो पॉइंट नंबर टू मेरे भाई वर्क करता है इन वाले घरों के ऊपर जो अपने कैनोनियन बोलते हैं, ये कैनोन है पता नहीं क्या है, मैं मैप अभी सही से पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर वर्क करती है, और आपको पता है इस जगह यार कितनी ज़्यादा भसड़ मचती है, बिस्टा के पास में ये जगह है। तो अब बहुत सिंपल तरीका है इसके ऊपर चढ़ने का, आज तो कोई ट्रिक नहीं बनी है, कोई ग्लिच नहीं बना है, हर बंदे ने ट्राई किया है इसके ऊपर चढ़ने का जो ग्लिच वगैरह फाइंड करते हैं बट कोई ग्लिच नहीं बना है। तो अब हम आपको चढ़ाते हैं बहुत इजी मेथड से गेट के ऊपर, तो यार चढ़ना नॉर्मल है। तो अब गेट के ऊपर चढ़ जाओगे, उसके बाद बैकपैक ओपन करोगे और दो चार बार प्रेस करोगे भैया वही अपना स्केटबोर्ड, आराम से इस जगह पे आ जाओगे, जो छोटा सा आगे छज्जा निकला होता है ना उसके ऊपर चढ़ जाओगे, फिर आराम से यहाँ पे आ जाना। और यहाँ पे इतना तगड़ा कवर मिलता है ना कि आराम से बंदों को किल कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप कैंप वगैरह करते हो या फिर आप रैंक पुश वगैरह करते हो और इस जगह अगर जोन बना है आपका, तो इस जगह आराम से एक मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से इसके ऊपर चढ़ो और फिर यहाँ बैठ जाओ, और बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार इसके ऊपर कैसे भाई कैसे आ गया। तो इसके ऊपर बहुत तगड़ा यार ट्रिक है, ग्लिच है, और ग्लिच तो खैर नहीं है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है, ज़रूर से यूज करिएगा अगर आप कोई कैंप करें या फिर रैंक पुश करें, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस टाइप के सभी घर पर ये वर्क करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री पर। तो पॉइंट नंबर थ्री मेरे भाई एक ग्लिच है अंडरग्राउंड जाने का, इसके बाहर जाने का, हम पहले भी एक ट्रिक बता चुके हैं, एक ग्लिच बता चुके हैं इस पर इसके बाहर जाने का, और आज का ग्लिच भी बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए आपको बताते हैं करना क्या है। आपको इस जगह पे आ जाना है, बैकपैक ओपन करना है, स्केटबोर्ड को यूज करना है, और दो चार बार टैप टैप करोगे आप बाहर निकल जाओगे। और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे अगर इस तरीके फंस जाओ ना, तो आपको फिर से बैकपैक खोलना है और स्केट का यूज करना है, आप आराम से बाहर आ जाओगे। और बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी ग्लिच है, आराम से इसको कर लोगे। और बाहर आने के बाद तो भैया खूबसूरत नज़ारे का
मजा लो, और अगर आपको ऊपर जाना है तो आप दीवार से चिपक के कूद सकते हो। और इस ट्रिक को, इस ग्लिच को फाइंड किया है गॉड अजय ओपी ने, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा भाई का भी चैनल अगर आपको ग्लिच वगैरह पसंद आए तो। और अगर आपके पास भी कोई ग्लिच वगैरह है और आप बताना चाहते हैं अपने भाई को, तो प्लीज़ से इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अच्छे से शॉर्ट आउट देते हैं और नीचे लिंक भी देंगे आपके चैनल का। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते भैया कितना सुंदर नज़ारा है, और ये ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर पीछे मची हो आपके बहुत ज़्यादा भसड़, और क्योंकि पता ही है यार चर्च की तरफ और अपने पायलट प्लाजा की तरफ कितनी ज़्यादा भसड़ मचती है, तो आप छुप के उनसे बच के यहाँ पर आ सकते हो। निकलने का भी बहुत आराम से मेथड है, कहीं भी जंप कर लो निकल जाओगे बहुत आराम से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पर, जो वर्क करता है अपने पायलट प्लाजा पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो पॉइंट नंबर 4 मेरे भाई बहुत ज़्यादा कमाल का क्लिच है, अगर भसड़ मची है बहुत ज़्यादा तो करना क्या है आपको, आपका बंदा है जो इस तरीके से बैठा देना और पीछे से लेना है एक फ्रोजन एग और उसको लो टॉस पर उसके बिल्कुल जस्ट पीछे फेंक देना है, जैसे मैं फेंक रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही, और आपका बंदा इसके अंदर चला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर बहुत आराम से आपका बंदा चला गया एक ही बार में, और ये ग्लिच आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर मची हो बहुत ज़्यादा पायलट प्लाजा में भसड़, तो इस ग्लिच का यूज करके आप मचा सकते हो भसड़। तो इस ग्लिच का तो ट्राई मेरे भाई एक बार तो बनता है। और अब हम आगे बताएंगे भैया पॉइंट नंबर 5 पर कि आपको ये जो फ्रोजन एग है मिलेंगे कहाँ कहाँ। तो उससे पहले हम बता देते हैं आप इसके अंदर जब घुसोगे तो नज़ारा कैसे होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे बैठते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा कैसा होता है। तो सिंपली से हम इस जगह बैठ जाएंगे, कोने पे बैठोगे ज़्यादा सही रहेगा, और पीछे से अपने गेमर जेट प्रो भाई साहब फ्रोजन एग फेंकेंगे और हम एक ही बार में इसके अंदर निकल आएंगे। और यहाँ पे तो भैया जैसे ही बंदा आता है भैया कहते हैं भसड़ मचा दो, तो ये ग्लिच यार आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अब हम ग्लिच नंबर पॉइंट नंबर 5 पर आपको बताएंगे जो फ्रोजन एग की जितनी भी जगह है कहाँ कहाँ फ्रोजन एग मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। तो सबसे पहली जगह है मेरे भाई यहाँ पर, ये आपको फैक्ट्री के पास में मिल जाएगा जो आइलैंड सा बन गया है ना, अलग थलग कर दिया गया है वहाँ पर। तो दूसरा है अपना इस जगह पे, ये आपको मिल जाएगा ओल्ड बेसिन के पास में, यहाँ पर जो एक नई लोकेशन आई थी उस जगह। और तीसरी है भैया अपने जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्लिच किया था कैनन पर, और चौथी है इस जगह पे, यहाँ पे प्रोमेंट्री बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। और अपनी पांचवी जगह है मेरे भाई इस जगह बेयर हाउस के पास में, जो अपना ईस्ट पोर्ट है इस साइड, तो यहाँ पर जो अपना सेल्टर बना है इस जगह पांचवी। और छठा है अपना पोजिशन ईस्ट पोर्ट पर, और सेवन्थ पोजिशन अपनी आती है इस जगह जो अपने बेयर हाउस है, यहाँ पर भी आके आप ले सकते हो। और आठवीं है अपनी इस जगह पर जो अपना ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और नवीं है भैया चर्च पर, और दसवीं आती है अपनी रेंज। तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे फ्रोजन एग, अगर टीम के साथ हो तो 40 मिल जाएंगे। तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।